हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी 2019 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को यूवी कॉम्पिटिशंस परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड द PSLV C-44 कैरिंग कलाम सेट एंड इमेजिनिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-44 को कलाम सेट एंड इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर ले जाने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट ने माइक्रोसैट आर को उसकी निर्धारित कक्षा में ठीक से पहुंचा दिया है। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM फ्रॉम नवल वारशिप INS चेन्नई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म ए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट टू सेव द बिग कैट पॉपुलेशन इन द स्टेट। द स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी हेडेड बाई चीफ सेक्रेटरी SK जोशी टुक द डिसीजन टू फॉर्म दैट STPF। तेलंगाना सरकार ने राज्यों में बाघों की आबादी को बचाने के लिए एक राज्य बाघ संरक्षण बल के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव SK जोशी की अध्यक्षता वाली राज्य वन संरक्षण समिति ने STPF के गठन का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह वाज इलेक्टेड एज मलेशियाज न्यू किंग बाय द मेंबर ऑफ द कंट्रीज रॉयल फैमिलीज। द 59 ईयर ओल्ड वाज अर्लियर अपॉइंटेड द सुल्तान ऑफ द मलेशियन स्टेट पहांग। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को देश के शाही परिवारों के सदस्यों द्वारा मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया है। 59 वर्षीय नए राजा को पहले मलेशियाई राज्य पहांग का सुल्तान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, इंडिगो ओनर इंटर ग्लोब एविएशन हैज अपॉइंटेड रोनो जॉय दत्ता एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। इंडिगो के मालिक इंटर ग्लोब एविएशन ने रोनो जॉय दत्ता को तत्काल प्रभाव से कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड एन एनुअल अवार्ड टाइटल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इट विल बी अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23rd January द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द अवार्ड कैरीज ए सर्टिफिकेट एंड ए कैश प्राइज ऑफ 51 लाख रुपीज। दिस ईयर 8th Battalion ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लोकेटेड एट गाजियाबाद हैज बीन इलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर इट्स कॉमनडेबल वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के शीर्ष के साथ एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है। इसकी घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाएगी। पुरस्कार में प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल क्रिया बल की 8वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। फॉर्मर साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर जॉन बोथा हैज अनाउंस्ड हिज इमीडिएट
retirement from all forums of cricket. Botha played for South Africa in 5 test matches, 78 one days internationals and 40 T20 international from 2005 to 2012. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरपन मोला खिलाड़ी जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने तत्काल सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। बोथा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2005 से 2012 तक 5 टेस्ट मैच, 78 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 40 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। आइए बात करते हैं ऑप्टू रिज निधन की। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग बंगाली राइटर अतिन बंदोपाध्याय पास्ट अवे ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक अतिन बंदोपाध्याय का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, रसेल बेकर द पुलटिजर प्राइज विनिंग राइटर हु पैनल थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम एंड होस्टेड द पीबीज टेलीविजन प्रोग्राम मास्टरपीस थिएटर पास्ट अवे इन लेसबर्ग वा ही वाज 93 ईयर्स ओल्ड। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए हजारों कॉलम लिखने वाले और पीबीएस टेलीविजन कार्यक्रम मास्टरपीस थिएटर की को होस्ट करने वाले पुलटिजर पुरस्कार विजेता लेखक रसेल बेकर का लेसबर्ग वे में निधन हो गया है। वह 93 वर्ष के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो करें। मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, अतः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।